अस्सलाम वालेकुम, आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं डिस्कस करूंगा लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ये याद रखें कि लिपिड उस वक्त नुकसानदेह होता है जब उसकी मकदार खुराक बहुत ज़्यादा ली जाती है। अगर मकदार खुराक ज़्यादा ना हो तो उस पर फिर अफेक्ट नहीं होता। एक नॉर्मल मकदार उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि लिपिड्स बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हम देखते हैं। लिपिड की जो ब्रेकडाउन होती है उसको लाइपोलाइसिस कहते हैं, और लाइपोलाइसिस उस वक्त ज़्यादा होती है जब हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और अपना वज़न कम करते हैं उसके दौरान लाइपोलाइसिस ज़्यादा हो रही होती है, और उसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि फैट बर्न हो रही है और फिर जो है उससे वज़न भी कम हो जाता है, फैट डिपॉजिट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो यूटिलाइज हो जाते हैं डिफरेंट जो है वो उसके अंदर, और हमें फैटी एसिड्स हासिल होते हैं, फिर फैटी एसिड से बीटाऑक्सीडेशन होती है और बीटाऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। ये एक सीक्वेंस है जिससे हम लिपिड से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।